पीएम मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक और बंगाल में ममता बनर्जी पर तीखा तंज किया। ओडिशा में तो प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि बीजू जनता दल के राज में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहा। बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रक्त भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर राज्य में आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में एक है और इसकी सुरक्षा में बीजेडी पर विफल रहने का आरोप लगाकर पीएम मोदी ने वोटरों तक बड़ा संदेश पहुंचाया है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। ओडिशा के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे। निशाने पर टीएमसी और इंडिया गठबंधन रहा। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन, ये पहले पस्त थे, पांचवें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। कांग्रेस ये डूब चुका जहाज है और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।